हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड विद। ए चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ए चेयर इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ए चेयर इज मेड विद प्लास्टिक। देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मेड ऑफ आएगा, मेड फ्रॉम आएगा या मेड विद आएगा। देखिए क्या डिफरेंस इसमें आप देखेंगे। मेड ऑफ कब आता है? जब आपको लगे जिस मटेरियल से कोई चीज बनी है वो मटेरियल अभी भी उसी सेम फॉर्म में है। जैसे आप इस पेन का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कहा दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ऑफ क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि इसमें आपको प्लास्टिक अभी भी दिखाई दे रही है। और अगर मैं एक पेपर का एग्जांपल लेता हूं और आपने कहा पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, आपने पेपर इज मेड फ्रॉम वुड क्यों कहा? क्योंकि वुड अब उस पेपर में आपको नहीं दिखाई दे रहा, जो उसका फॉर्म था वुड का वो कंप्लीट चेंज हो गया। तो जब फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाए तो फ्रॉम, और जब वो फॉर्म उसी में रहे, उसी स्टेट में रहे, जैसे अभी प्लास्टिक दिखाई दे रहा है या आप कहें कि दिस डोर इज मेड ऑफ आयरन, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ऑफ लगाएंगे। यहाँ एग्जांपल देखते हैं, समथिंग इज मेड ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल विच रिमेन्स अनचेंज, तो आप क्या लगा रहे हैं? मेड ऑफ। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। क्यों हमने यहाँ यूज करा? क्योंकि वो वुड या प्लास्टिक अभी भी उसमें आपको दिखाई दे रही है। मगर आप मेड फ्रॉम पर जाएंगे तो क्या कहते हैं वो? When a material is changed into a completely different form, जैसे आपने example देखा cheese is made from milk, तो जब आप cheese को देख रहे होंगे तो उसमें milk की कोई form आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे मैंने अभी एक और example आपको दिया था, paper is made from wood, तो उसमें wood आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो wood है ही नहीं उसके अंदर। तो paper एक अलग form है और लकड़ी बिल्कुल एक अलग form है। तो जब आपको ऐसा लगे दो अलग अलग फॉर्म्स हो चुकी हैं, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। और मेड विद को समझना तो सबसे आसान है, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। आपने बहुत सारी चीजें किसी चीज को बनाने में यूज करी, उनमें से एक इंग्रेडिएंट आपको बताना है। जैसे टू मेंशन वन ऑफ सेवरल मटेरियल्स, आई हैव मेड दिस टी विद लॉट्स ऑफ जिंजर, तो सिर्फ जिंजर तो यूज नहीं हुआ, मिल्क भी यूज हुआ होगा, चाय पत्ती भी यूज हुई होगी, बहुत सारी चीज हमने उसमें यूज करी। बस आप उसमें से एक इंग्रेडिएंट जब आप बता रहे हैं तो आपने क्या कहा कि मैंने इसे जिंजर से बनाई है, इसमें जिंजर भी है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। यहाँ पर एक पहला सेंटेंस है, दिस बैग इज मेड लेदर, तो जब आप बैग को देखेंगे तो लेदर अभी भी उसमें आपको दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे ऑफ, मेड ऑफ लेदर। अगला देखते हैं, द बस इज मेड ऑफ आयरन, तो अभी भी उसमें लोहा आपको दिखाई दे रहा है, लोहा शेप में है। अगला देखते हैं, दिस सूप इज मेड, क्या यूज करा होगा आपने? विद जिंजर, जिंजर का तो सूप नहीं बना होगा पूरा, तो आपने देखा बटर इज मेड। अब यहाँ पर क्या है, मिल्क की शेप बिल्कुल चेंज हो गई, फॉर्म जो मटेरियल था मिल्क वो बिल्कुल चेंज हो गया, तो आप क्या लगाएंगे? मेड फ्रॉम मिल्क। दिस डोर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की जो फॉर्म है वो पूरी चेंज नहीं हुई होगी। तो दोस्तों ये था मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड विद का डिफरेंस, जो आपको बहुत आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस भी आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।